वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी। अब देखिए, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है ना, मिनिमम 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है या स्टेट गवर्नमेंट की होती है या पार्शली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की होती है। यानी जो मेजर शेयर होल्डर है, मोर देन 50% जो मेजर शेयर होल्डर है वो कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। और इस प्रकार की कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, कंपनी एक्ट 1956 और अमेंडेड कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी इज दैट कंपनी इन विच मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्शली बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। द मेजर शेयर होल्डर इज गवर्नमेंट इन दिस टाइप ऑफ कंपनी एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 1956 और अमेंडेड कंपनी एक्ट 2013। अब इसकी फीचर देखिए, इसमें हिंदुस्तान मशीन टूल्स आता है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आती है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आता है, कोल इंडिया लिमिटेड आते हैं। ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसकी जो फीचर्स है, फीचर्स का सबसे पहला पॉइंट आता है फॉर्मेशन। इस कंपनी का जो फॉर्मेशन है, कंपनी एक्ट 1956 अमेंडेड कंपनी एक्ट 2013 के अंडर जो है इसका फॉर्मेशन किया जाता है। ओनरशिप, इस कंपनी की जो ओनरशिप है उसमें 51% जो शेयर है, पेड अप कैपिटल का 51% शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मैनेजमेंट, अब देखिए, इस प्रकार की कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं और जो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किए गए हैं उन डायरेक्टर्स के द्वारा इनका जो मैनेजमेंट है वो किया जाता है। फाइनेंसिंग, इस प्रकार की कंपनी में जो फाइनेंस है, 51% शेयर गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज किया जाता है और जो बैलेंस है वो जनरल पब्लिक के द्वारा अरेंज किया जाता है शेयर इशू करके। अपॉइंटमेंट, इस प्रकार की कंपनी में जो एम्प्लॉयज का, कैंडिडेट्स का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो इस प्रकार की जो कंपनी है उनकी ओन सर्विस कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अंडर जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके बाद मेरिट्स के पॉइंट आते हैं। इजी फॉर्मेशन, इस प्रकार की कंपनी को कंपनी एक्ट 1956 और अमेंडेड कंपनी एक्ट 2013 के अंडर इजीली इसको बनाया जा सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, इस प्रकार की कंपनी को ऑपरेट करने में फ्रीडम बना रहता है, यानी किसी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब देखिए, कंपनी के जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस। जैसे हमारी सिचुएशन चेंज होती है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उनको चेंज करते रहते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। क्विक डिसीजन, जो भी डिसीजंस हैं, अब मेजर पार्ट किसके पास है? मेजर पार्ट तो गवर्नमेंट के पास है, 51% शेयर, तो जो भी डिसीजंस लेने हैं गवर्नमेंट ने लेने हैं, तो जो भी डिसीजंस हैं वो क्विकली लिए जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डिले नहीं होता है। ईजी फाइनेंसिंग, इस प्रकार की कंपनी में जो फाइनेंस है ईजिली अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि 51% शेयर किसका होता है? 51% शेयर पेड अप कैपिटल जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, बाकी जनरल पब्लिक की होती है, तो गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक में शेयर इशू करके इनका जो फाइनेंसिंग जो अवेलेबिलिटी है उसको ईजिली अरेंज किया जा सकता है। अब आता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, देखिए मेरिट्स का पॉइंट बताया कि इनके ऑपरेशन में ऑटोनॉमी पाई जाती है, लेकिन वो कम्प्लीटली जो है वो फ्रीडम नहीं होता है, इट इज़ ओनली इन पेपर, बाकी गवर्नमेंट का इंटरफेयर बना रहता है और इस प्रकार से पॉलिटिकल इंटरफेयर भी बना रहता है, तो इसमें कम्प्लीट ऑपरेशनल जो ऑटोनॉमी है वो नहीं पाई जाती है। नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, अब देखिए कंपनी के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई
अब 51% शेयर किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जैसे ही चेंज होती है पॉलिसी चेंज हो जाती हैं। तो इस प्रकार की कंपनी में जो भी कंपनी से रिलेटेड पॉलिसी है उनमें कंटिन्यूटी नहीं रहती हैं, वो पॉलिसी चेंज होती रहती हैं। और फियर ऑफ पब्लिक ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी, अब देखिए किसी प्रकार का कोई हैवी लॉस हो जाता है तो पब्लिक को जवाब देना होता है, और जवाब कौन देता है? इससे रिलेटेड जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उसको जवाब देना होता है, इसलिए उनको अपनी जवाबदेही का डर बना रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये आपने लर्न करने हैं।